مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں, چونکہ آج تفسیر کی دعا بھی کرنی ہے, اس لیے کوئی خاص مضمون تو اس وقت عرض نہیں کرنا ہے, لیکن زکوٰۃ کے متعلق اور صدقۃ الفطر کے متعلق دو چار باتیں سنانا چاہتا ہوں. زکوٰۃ یہ دین اسلام میں ایک فرض ہے اور اسلام کا ایک رکن ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے, اور زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو مسلمان نماز تو پڑھتا ہو لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا, تو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز بھی اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوگی, وہ مسلمان نہیں ہے. جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کر دے, نماز تو بڑا اچھا ادا, بڑی اچھی ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا حقدار ہے دینے کا, صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو علماء کے نزدیک ایسا شخص مسلمان نہیں. بڑے وعدے بھی ہیں بڑی وعید بھی ہے. زکوٰۃ دینے پر بڑی بشارتیں بھی ہیں, مجھے اس وقت سنانے نہیں, اور زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی سخت سے سخت وعید. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں وعید کے سلسلے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما چکے دنیا سے, ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو حالات بدلنے لگے, لوگوں میں دین کے سلسلے میں کچھ کمی کوتاہی آئی, تو ایک جماعت ایسی بھی ہوئی جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی تھی. تو انہی میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے غسل دیا, کفن دیا, اس کی قبر کھودنے کے لیے قبرستان میں آدمیوں کو, لوگوں کو بھیجا. اب جب اس کی قبر کو کھود رہے ہیں
तो उसकी कब्र में से सांप निकल रहे। एक जगह कब्र खोदी, लोगों ने समझा शायद ये किसी मुर्दे को अजाब हो रहा होगा, हमने वहां हाथ मार दिया, गलत जगह इख्तियार कर दी, उसको बंद कर दिया, दूसरी जगह कब्र खोदी। वहां भी जब कब्र को खोदा गया तो वहां भी सांप निकले, फिर उसको बंद किया, तीसरी जगह कब्र खोदी कब्रस्तान में, वहां भी सांप निकले। चार पांच जगह जब कब्रों को खोदा गया तो सब जगह से सांप निकल रहे। अब करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। जब इंसान मायूस हो जाता है ना, तो फिर कहां जाता है, अल्लाह वालों के पास जाता है। हालांकि जाना कब चाहिए, पहले जाना चाहिए कि हजरत दुआ फरमाए, बीमार हूं या हमारा फुला रिश्तेदार बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहा हूं या इलाज चल रहा है, दुआ फरमाए अल्लाह शिफा दे। हम पहले सारे असबाब इख्तियार करते, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, दुनिया के सारे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर लिया, फुलाने एसपी के पास चले गए, उधर इधर काम नहीं हुआ तो अब किसको पकड़ो, अल्लाह वालों के पास जाओ। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उस वक्त बड़े रईसुल मुफस्सिरीन थे, सहाबी है, सबसे बड़े आलिम जानने वाले वही। लोग उनके पास गए और हजरत के सामने तज़किरा किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने लोगों से पूछा कि उसके घर वालों से पूछो क्या गुनाह करता था। उसके घर गए, लोगों ने पूछा तो कहा नमाज का तो पाबंद था ही, वो ऐसा खास गुनाह भी यानी जिना चोरी हमने नहीं देखा इसको, मोहल्ले वालों ने भी कहा नहीं देखा। इब्ने अब्बास ने फरमाया ये साहिबे निसाब था, मालदार था। कहा हाँ मालदार था। उसकी बीवी से पूछो ज़कात कभी दी। अब पकड़े गए, बीवी ने कहा हाँ ज़कात तो कुछ दी, ऐसा लगता कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे कि भाई ज़कात देते हो। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया इसको उसी कब्र में दफन कर दो, दुनिया के जिस कोने को भी जाकर आप खोदोगे इसकी कब्र में से सांप निकलेगा, इस बिना पर कि ये ज़कात को अदा नहीं करता। अल्लाह पाक ने उसका दुनिया में अजाब बदला दिया। इसलिए मेरे बुजुर्गो, जिन जिन लोगों पर ज़कात वाजिब है अपने माल की सही ज़कात निकाला करो। अब मुझे तो एक मसले जिसमें गलत फहमी है वो असल बयान कर, पूरा ज़कात पर बयान तो नहीं कर। एक कोताही क्या होती है कि बाज लोग ज़कात तो निकालते हैं लेकिन कैसी निकालते, अंदाजे से, हिसाब नहीं करते। भाई हर साल दे रहे हैं मसलन 5,000 रुपए, चलो अपनी कितनी है, 5 है 5 निकाल के दे दी, कितना माल आया कितना गया क्या हुआ। तो शरीयत में ज़कात निकालना भी है और पहला काम अपने माल का हिसाब करना है। पूरे साल में जब ज़कात का वक्त आए, अमूमन रमज़ान में लोग निकालते हैं, तो जब भी रमज़ान आए तो पहले से अपने माल का हिसाब करो, एक दिन फिक्स कर लो कि मैं पहली रमज़ान को ज़कात निकालूंगा, या 10वीं रमज़ान को या 15वीं, जो भी हर एक का अपना, अपने माल का हिसाब करो मेरे पास कितना है, कैश कितना है। तीन चीज़ों पर ज़कात आती है, कुछ लंबी चौड़ी उसमें क्या है, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं करना पड़ता। एक तो सोना चांदी, उसका हिसाब आसान है, आप किसी के पास चले जाओ, बल्कि आजकल तो फोन है व्हाट्सएप है, आप पूछ लो घर बैठे बैठे कीमत कितनी है, आपको बता देंगे। आपके पास कितने जेवरात हैं, कितने वजन के, आप उनको बताओ वो आपको कीमत बता दें। दूसरी बात, आपके पास जरूरत से ज़ायद पैसा कितना है, कैश
पैसा कितना है जो जरूरत से जरूरत के अलावा, तो आपको मालूम होगा कितना है, 20,000, 50,000, 1,00,000 जो भी दो। और तीसरी चीज है, अगर कोई आदमी ताजिर है, बिजनेसमैन है, वो तिजारत करता है, तो उसके पास बेचने का सामान कितना है। बोलो, लंबा चौड़ा हिसाब है? कुछ नहीं। आदमी एक घंटा तो मैं कहता हूं बहुत हो गया। हिसाब करो अपने माल का, मेरे पास कितना है। समझ में नहीं आए किसी आलिम दीन से, मुफ्ती साहब से पूछो, मेरे पास इतना है। सबको आपने शुमार कर लिया, काउंट कर लिया, और शुमार करके अब अपनी रकम बता दो, और बतलाने की भी जरूरत नहीं है। 2.5% के हिसाब से निकाल लो। अगर वो रकम समझो 10,000 बनती है, तो 10,000 पर जकात कितनी आती है, बोलो 250। और अगर बड़ी रकम है 1,00,000 बनती है, तो 1,00,000 पर जकात आती है 2,500। अगर लाखों में रकम है तो 1,00,000 वाली रकम पकड़ो, 1 पे 2,500, तो 2 पे 5,000 पकड़ते जाओ। छोटी रकम है 10,000 वाली, तो 10,000 के हिसाब से पकड़ते जाओ, जकात निकालना आसान। तो एक गलत ये होती है हमारे, अंदाजे से जकात मत दो, हिसाब करो और फिर अपने माल की सही जकात निकाल। अच्छा, दूसरी गलत फहमी कि देखो, शरीयत ने जो जकात मुकर्रर की है ना, वो हर एक पर पर्सनल है, इसको फर्ज आइन कहा जाता है। भाई नमाज क्या है? फर्ज आइन। अगर शौहर और बीवी इनमें से कोई एक यूं कहे कि चलो तुम्हारी नमाज आज मैं पढ़ लेता हूं 2 ज़ोहर, कल तुम मेरी 2 मेरी पढ़ लेना, 2 ज़ोहर पढ़ लेना, चलेगा? नहीं चलेगा। आज मैं बीमार हूं, तू मेरी जोहर पढ़ ले, मैं मस्जिद में नहीं जाता, 4 पहली तेरी नियत से, 2 चार मेरी नियत से, चलेगा? क्यों? फर्ज आएंगे, हर एक पर अपना उसका फर्ज है, तो जकात भी फर्ज आएंगे। लोग क्या करते हैं, शोहर बीवी आमतौर पर मियां बीवी का हिसाब आपस में साथ में करते हैं। तो ये मसला भी याद रखो, शोहर का हिसाब अलग होगा और बीवी का हिसाब अलग होगा। लोग क्या समझते हैं, उमूमन क्या होता है, औरतों के पास जेवरात होते हैं, शादीशुदा औरत होती है। आजकल हमारे मुआशरे में शादी के मौके पर लाजिम हो गया, जिसको कहते हैं सोना चढ़ाना, यानी देना, लाजिम है क्या? नहीं, कोई देता ही नहीं है सोने के बगैर, तो सोना चढ़ाते हैं। अब सोने की कीमत आज तो कितनी है, करीबन 50,000 के करीब है, 48,000 या ऐसे कुछ। अब उसके साथ थोड़ी भी चांदी दे दी, भाई चांदी के क्या है, पाजेब दे दिए, पांव में पहनने की अंगूठी दे दी, अब सोने चांदी की कीमत को मिलाओ 50-55,000 हो गई, ज़कात फर्ज हो गई 1 साल गुजरने। ये औरतों के पास उमूमन होता है, इल्ला माशाल्लाह नबी हो, उमूम की बात करता हूँ। अब एक तरफ शोहर की हालत है, तो कभी कभार शोहर की हालत कमजोर होती है, उसके पास तो बेचारा कमा के खाने वाला होता है। अब शोहर क्या समझता है, मेरे पास तो कुछ नहीं, हमारे ऊपर जकात नहीं, तो भाई तेरे ऊपर जकात नहीं है, लेकिन तेरी बीवी के ऊपर तो जकात फर्ज है, उसके जिम्मे है जकात को अदा करो। अब लोग पूछते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं है तो जकात कैसे अदा करो, तो बीवी को कहो सोना बेचो, और सोने बेचकर थोड़ा बहुत भी बेचो और उसके ज़कात अदा कर, वरना तू जिम्मेदार। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से आए, आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे ना, पहला सवाल किया, आयशा ज़कात देती हो, ज़कात देती हो? कहा हाँ, अगर ज़कात न दोगी तो यही ज़ेवर कल जहन्नम के अंगारे बने। और अगर बीवी नहीं दे रही है तो फिर शोहर को देना पड़ेगा, कर्ज लेकर दो, लेकिन दो ज़कात, तुम्हारी हालत कमजोर है वो नहीं चलेगा, ज़कात फर्ज। ये दो मसले जहन में थे, मैंने कहा लाओ बता दूं, इसलिए इस वक्त आप हजरात के कानों में ये बात डाली गई। तीसरी एक बात है सदकतुल फितर के मुताबिक। सदकतुल फितर क्या चीज है, जब रमजान गुजरता है तो ईद से पहले पहले मुसलमान पर, अहले इस्लाम पर
मजहब इस्लाम ने एक छोटी सी जकात रखी, छोटा सा सदका रखा, जिसको कहते हैं सदकतुल फितर, हमारी जबान में कहते हैं फितरा। ये फितरा क्या है? तो हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरगीब की गालिबन हदीस, हुजूर फरमाते हैं सदके फितर ज़कात सियामिकुम, तुम्हारे रोजों की ज़कात है। भाई हम लोग रमजान में रोजा रखते, अब बताओ हम में से कौन पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि मेरे रोजे में मुझसे कोई बेअदबी और कोई कोताही नहीं कह सकता है? कितने रोजों में हमसे कोताही और रोजे के मनाफी अमाल होते हैं, यानी कितनी लब वो बातें, बेहूदा बातें रोजे में होती हैं, और क्या है हमारे रोजे इसी तरीके से चलते रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान के गुजरने पर, यानी आखिर में भी दे सकते हैं कि रमजान के आखिर में आप सदकतुल फितर दे दो, तुम्हारे रोजों में जो लफ्जिशें और बेहूदा अमल और बातें तुमसे हो गई होगी, अल्लाह पाक इस सदकतुल फितर से उसको माफ फरमाते हैं। इसलिए बाज उलमा फरमाते हैं कि सदके फितर तो हर हर मुसलमान को दे ही देना चाहिए, दे ही देना, वाजिब नहीं है, वाजिब तो साहिबे निसाब पर है, लेकिन सदके फितर का जो फायदा है उसको देखते हुए हर मुसलमान को सदके फितर क्या देना, क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। एक बात, दूसरी बात कि सदके फितर अदा कितना करना है, कितना देना। तो हमारे जहनों में बात क्या बैठी है, बोर्डों पर भी लिखा होता है कि भाई 60 रुपए पौने दो किलो गेहूं या उसकी कीमत जो आजकल बनती है 55-60 रुपए, बरसों से चल रहा है। तो सदके फितर फकत गेहूं से अदा नहीं होता। मैं तुम्हें हदीस सुनाऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सदके फितर चार चीजों में से किसी के भी जरिए आप अदा कर सकते। कितनी चीजें? चार। जहन में रखना, पहली चीज किशमिश, किशमिश तो समझते हैं। नंबर दो खजूर, नंबर तीन जौ, और नंबर चार गेहूं। अच्छा, किशमिश, खजूर और जौ, इन तीन में से अगर आप अदा करना चाहते हो तो 3.5 किलो या उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कितने किलो? 3.5। किशमिश की कीमत लगाओ, हमने ताकीद की 300 रुपए किलो के हिसाब से होती है, 3.5 किलो की कीमत 1050 रुपए, कितने हुई बोलो? 1050। सदके फितर की आला रकम 1000, जिसको अल्लाह ने ज्यादा मान दिया हो तो वो इस तरीके से अदा करो, वो 60 रुपए तो क्या अदा करे, 60 रुपए तो उसके बच्चे रोजाना इस्तेमाल कर जाते, अब वो सदके फितर 60 रुपए में दे रहे तो क्या, 1 लीटर दूध भी नहीं आता, गरीब का बिचारे का शीर खुरमे का दूध भी नहीं हो, तो कैसे अदा करो बोलो, अल्लाह ने दिया हो तो वो अदा। नंबर दो खजूर, खजूर भी आपको देनी है खजूर के एतबार से, तो 3.5 किलो खजूर या उसकी कीमत, तो मिडल जो दरमियानी किस्म की खजूर है 200 रुपए किलो, तो 200 रुपए के हिसाब से हमने शुमार किया 700 रुपए, 3.5 किलो की कीमत कितनी हुई? 700। तो दूसरा सदके फितर कितना हुआ? 700। अगर अल्लाह ने तुमको दिया है तो 700 के हिसाब से। तीसरी चीज है जौ, 3.5 किलो जौ की कीमत, तो जौ दो तरह के होते, एक महंगे होते जो अनाज वाले लोग हैं वो जानते हैं, वही बहुत महंगे होते हैं, उसकी कीमत ज्यादा है, उस एतबार से हमने शुमार किया तो 250 रुपए होती है, और हमारे यहाँ जो जौ चल रहा है, जौ का आटा जो खाते हैं, जुवार बोलते हैं, ये सस्ती होती है, इसके एतबार से कीमत बनती है 150 रुपए, बल्कि 150 से भी कुछ कम बनी, 140 के करीब, लेकिन 150 समझो। तीन हो गए, अब चौथी चीज है गेहूं, गेहूं के एतबार से देने हैं तो 2.25 किलो, और 2.25 किलो गेहूं की कीमत होती है 60 रुपए। तो सदके फितर कितने तरह के हो गए बोलो? चार, 1050, 700, 150 और 60।
अब तुम में से अल्लाह ने जिसको जितना दिया हो उस एतबार से अदा करो। एक दूसरी बात याद आई तो बता दूं कि भाई घर में अगर समझो पांच अफराद हैं तो जरूरी नहीं है कि पांचों पांच का एक एक हजार पचास के एतबार से दो। भाई अब अल्लाह ने दिया है बहुत नहीं है, अब घर के बड़े हैं माँ बाप है तो भाई बेटा यूं कहे चलो हमारे अम्मी अब्बा का सदके फितर किससे दो, एक हजार पचास के एतबार से, 2000 हो गए 2100, हम दोनों का दूं खजूर के एतबार से, या इतनी भी नहीं है तो जौ के एतबार से, यानी मियां बीवी का आपस में, बच्चों का 60 रुपए के हिसाब से दे दूं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, घर के पांच छह अफराद के अलग अलग अंदाज से देकर 2500-3000 रुपए हो गए, किसी मुस्तहिक को पहुंचा दो, अल्लाह की राह में ज्यादा पैसा लगेगा, सवाब भी ज्यादा मिलेगा, गरीबों का फायदा भी ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस बैठने और सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए, कुरान के कुरान से हमारे ताल्लुक को बढ़ने का जरिया बनाए, और अल्लाह पाक इस माह मुबारक के अंदर जो बातें कही गई सुनी गई अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस कुरान के निस्बत पर जमा होने को हमारे लिए मगफिरत का जरिया बनाए। उसके साथ साथ मेरे बुजुर्ग एक ऐलान ये है कि हमारे गुजरात के बुजुर्ग है हजरत मुफ्ती सलमान साहब बरोडवी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े अच्छे मुकर्रर भी है और क्या है तकरीरें भी करते हैं, और हजरत एक मदरसा चलाते हैं बरोडा के अंदर जामिया रियाजुल उलूम, और उस मदरसे की खसूसियत ये है कि वो दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी निज़ाम, बड़ा अच्छा निज़ाम है। हमारा भी एक मरतबा वहाँ जाना हुआ, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह इंग्लिश के अंदर भी तकरीर करते, अरबी के अंदर भी, बड़ा अच्छा निज़ाम। तो हजरत के मदरसे के चंदे के तौर पर हमारे अब्दुल कय्यूम भाई तशरीफ लाए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ के बाद इनका तआवुन फरमाए, अपनी कीमतों के ज़रिए से ज़कात फितरा लिल्लाह सदक़ात दीन की राह में और तलबाए दीन के लिए हमारा मान लगेगा। जब तक इल्म फैलता रहेगा हम कब्र में चले जाएंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए सदके जारिया जारी रखे। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير ندعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المضطر الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انا كنا من الظالمين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تكثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب इलाहा अलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ये अल्लाह बड़े गुनहगार है बड़े खताकार है बड़े सियाहकार है मौलाए करीम अब तक की ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है मौलाए करीम रात दिन आपकी नेमतें खाते रहे आपकी नेमतों से फ़ायदे उठाते रहे लज्जतें हासिल करते रहे जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपकी नेमतें खा खा कर गुजार दिया मौलाए करीम लेकिन आपकी नाफरमानी करते रहे गुनाह कर कर के लज्जतें हासिल करते रहे शैतान को खुश करते रहे तुझे नाराज करते रहे मौलाए करीम हमसे बड़ा पापी हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं होगा ए अल्लाह तेरे सामने बैठकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं मौला करीम हम सबको माफ फरमा दे मेरे मौला हमें माफ फरमा दे मेरे मौला हमारा तो बदन का रुमा रुमा गुनहगार है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बदन गुनाहों में डूबा हुआ है मेरे मौला यकीनन हमने तेरी जमीन को गुनाहों से भर दिया तेरे अजाब को दावत दी तेरे गजब को भड़काया है मेरे मालिक ये तो तेरा एहसान है कि तूने हमें जमीन पर बाकी रखा है या अल्लाह तू कितना करीम है तू कितना रहीम है तूने हमें गुनाहों में देखा कभी खाना बंद नहीं किया कभी पानी बंद नहीं किया मेरे मौला तू चाहता तो हमें अजाब दे सकता था तू चाहता तो हाथ पैर तोड़ सकता था मेरे मौला किसी बीमारी में मुब्तला करके बिस्तर के साथ लगा सकता था मेरे मौला तू सब कुछ कर सकता था लेकिन तूने रहम खाया तूने करम फरमाया बेशक मेरे मालिक तू 70 नहीं तू 100 माओ से ज्यादा मेहरबान है यकीनन एक बेटा भी अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है दो चार मर्तबा माँ बाप माफ करते हैं फिर माँ उसे तमाचा रसीक कर देती है बाप उसे डांट कर घर से बाहर निकाल देता है मेरे मौला तूने कभी हमें तमाचा रसीद नहीं किया तूने कभी हमें अपनी जमीन से नहीं निकाला तूने कभी फरिश्तों से नहीं कहा कि इसे जमीन के अंदर डाल दो तूने तू चाहता तो कर सकता था लेकिन मालिक तूने रहम फरमाया बेशक तू रहीम है बेशक तू रहमान है बेशक तू करीम है बेशक तू रऊफुर रहीम है या अल्लाह हमने तेरे रहम से फायदा नहीं उठाया हमने तेरे करम से फायदा नहीं उठाया कोताही हमारी रही मालिक तू देने के लिए तैयार रहा हम लेने वाले न रहे हमने तुझसे मांगना छोड़ दिया तू देने के लिए इंतजार करता रहा या अल्लाह लेकिन हम ना हम तेरे दर पर नहीं आए मेरे मालिक बेशक हमारी कोताहियां बहुत रही हे अल्लाह तेरे सामने बैठकर अपनी कोताहियों से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं हे अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे मेरे मौला हमें माफ फरमा दे अल्लाह अगर आपने माफ नहीं किया तो हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा हम हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं रहेगा कल कयामत के मैदान में अगर इन गुनाहों का बोझ लेकर तेरे सामने आएंगे या अल्लाह कैसी शर्म आएगी तेरे नबी भी होंगे सहाबा भी होंगे या अल्लाह तू अब तू हमारे नबी से पूछेगा फरिश्तों के जरिए कहलवाएगा कि तुम्हारे नब तुम्हारी उम्मत के
गुनहगार लोग आ रहे हैं, अल्लाह तेरे नबी को कितनी तकलीफ होगी, अल्लाह हमारे नबी की तकलीफ का जरिया हमें ना बनाना, उस दिन की रुसवाई से पहले हम सबको माफ फरमा दे, और ना हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे, जाहिर में किए हो, पोशीदा में किए हो, जानबूझकर किए हो, अनजाने में किए हो, मौला हम सबके हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे खुश हो जा, हमसे राजी हो जा, हमसे खुश हो जा, मौला माफ फरमा दे, मौला माफ फरमा दे, मेरे मौला माफ फरमा दे। मुबारक वक्त है, तेरे दर पर बैठे हैं, ए अल्लाह रमजान का आखिरी अय्याम है, तेरे मालिक मेरे मालिक मुबारक दिन है, मुबारक रातें है, मेरे मालिक ये रमजान का महीना तो तूने अपने बंदों से भी फरमाया, सखावत किया करो, ए अल्लाह जब तू अपने बंदों को हुक्म देता है तो तू भी तो अपनी सखावत को आम फरमा दे, हम जैसे गुनाहों को भी माफ, गुनहगारों को भी माफ फरमा दे। इलाह अलामीन हमारे वालिदैन को माफ फरमा दे, हमारे असातिदा मशाइख को माफ फरमा दे, हमारे अहल-ओ-आयाल हमारे अकरबा रिश्तेदारों को माफ फरमा दे, हमारे दोस्त अहबाब हमारे मोहसिनीन मुतालिकीन और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत की बिगड़ी बना दे, इलाह अलामीन उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, पूरे आलम में मुसलमान परेशान है, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जानो माल की हिफाजत फरमा, धंधे रोजगार की हिफाजत फरमा, मकान दुकान की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा। इलाह अलामीन इस रमजान के महीने को हमारी जिंदगी में खुशगवार इंकलाब का जरिया बना दे, या अल्लाह हमारे अंदर नेकियों का जज्बा पैदा फरमा दे, गुनाहों के जज्बे को खत्म फरमा दे, नेकियों की रगबत और नेकियों का शौक दिलों में पैदा फरमा दे, गुनाहों की नफरत दिलों में बिठा दे। मेरे मालिक कितना बेहतरीन माहौल था रमजान के महीने में, ए अल्लाह खुद ब खुद नमाज पढ़ने का दिल चाहता था, ए अल्लाह कुरान पढ़ने का दिल चाहता था, मेरे मालिक ये रमजान गुजरेगा वो शैतान छूट कर आएगा, ए अल्लाह वही गफलत भरी जिंदगी फिर शुरू हो जाएगी, ए अल्लाह वही बेढंगी जिंदगी शुरू हो जाएगी, ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना, अल्लाह जैसे रमजान में आपने नमाज पढ़वाई, नमाज रमजान के बाद भी नमाज की तौफीक अता फरमाना, जैसे आपने रमजान में कुरान पढ़वाया, रमजान के बाद भी कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाना, जैसे आपने रमजान में जिक्र करवाया, रमजान के बाद भी जिक्र करने की तौफीक अता फरमाना। मेरे मालिक रमजान के गुजरने के बाद आमाल पर मुदावमत और पाबंदी नसीब फरमा दे, इलाह अलामीन हम सब के हाल पर रहम फरमा दे, अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे, बहुत से तेरे बंदे बंदिया बीमारियों में पड़े हुए हैं, अल्लाह बरसहा बरस से बीमारियों के अंदर है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, एलिया रगड़ रहे हैं, मेरे मालिक तू हर एक के लिए शिफा के फैसले फरमा दे, हर एक को अल्लाह पाक सेहत और आफियत से मारा माल फरमा दे, इस मोहल्ले में जो बीमार हो जिनकी बीमारी का भी खबर दी गई, या अल्लाह अल्लाह उनको भी शिफा नसीब फरमा दे, या अल्लाह उनको भी सेहत और आफियत की दौलत से माला माल फरमा दे। इलाह अलामीन इस वक्त खास तौर पर ये जो मर्ज और वबा फैली हुई है, मेरे मालिक बहुत से हजरात इस वबा में लिपटे हुए हैं, या अल्लाह तू हर एक के लिए शिफा के फैसले फरमा दे, मेरे मालिक हर एक डरा हुआ है सहमा हुआ है, मेरे मालिक इन हालात को दूर फरमा दे, इन हालात के अंदर एक तरफ लोग बीमारियों की वजह से परेशान है, एक तरफ लोग रोजी की वजह से परेशान है, या अल्लाह परेशानियों को दूर करने वाला तू ही है। मेरे मालिक तूने कुरान में फरमाया ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, हम तो तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तूने फरमाया कि मेरी जात से ना उम्मीद ना हुआ करो, या अल्लाह हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, यकीनन इन हालात को तू दूर फरमाएगा, इस बीमारी को तू दूर फरमाएगा, ए अल्लाह तू जल्द से जल्द इस बीमारी के दूर होने के फैसले फरमा दे।
इलाहिल्आलमीन तो हम सब की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह तूने हमें बचाया, बेशक हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है, आपका फजल है, आपने अब तक बचाया है, आइंदा भी हम सब की पूरी उम्मत की और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह इंसानियत के हाल पर रहम फरमा दे। इलाहिल्आलमीन ईमान की सलामती के साथ दुनिया में जीना नसीब फरमा। जब भी मौत आए ईमान की सलामती के साथ मौत अता फरमाना। ए अल्लाह प्यारी मौत नसीब फरमाना। इलाहिल्आलमीन इस हाल में मौत आए कि तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो, तेरा और तेरे बंदों का कोई हक हमारे जिम्मे वाजिब न हो, वाजिबुल अदा बाकी न हो। इलाहुल आलमीन दिल तुझसे मिलने का मुश्ताक हो, जबान पर तेरा पाक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ऐसी प्यारी मौत हम सबको नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन मदीना की सरजमीन नसीब फरमाना। इस हाल में मौत आए के सर आका के कदमों में पड़ा हुआ हो, रोज़े रसूल पर सजदे में पड़े हुए हो, मलकुल मौत आ जाए हमारी रूह को खींच जाए, ऐसी प्यारी मौत हम सबको नसीब फरमा। इलाहिल आलमीन सुन्नतों वाली जिंदगी भी नसीब फरमा, सुन्नतों वाली मौत भी नसीब फरमा। मौत के बाद की मंजिलों को आसान फरमा देना, कब्र की मंजिल आसान फरमा देना, कब्र के बाद की मंजिल आसान फरमा देना। उन सिरात का बड़ा कठिन मरहला, या अल्लाह बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज रास्ते पर गुजरना है। या अल्लाह दुनिया में एक छोटी सी पगडंडी पर हम कदम नहीं रख सकते। या अल्लाह हमें डर लगता है गिर जाने का, वहां तो बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, नीचे जहन्नम भड़क रही होगी, फिर मालिक हम कैसे चल पाएंगे। या अल्लाह बस तू ही मदद फरमाना, बस तू ही मदद फरमाना, और हमें उन लोगों में से बना देना जो तो बिजली की तरह वहां से गुजर जाएंगे। ए अल्लाह हम सब के लिए उस मरहले को आसान फरमा दे। इलाहिल आलमीन आमाल नामा दाहने हाथ में नसीब फरमाना। हौज़े कौसर पर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाना। या अल्लाह जिन लोगों को आका भगा देंगे, फरिश्ते भगा देंगे, या अल्लाह उन लोगों में से न बनाना, उन लोगों में से बनाना जिन्हें आका खुद बुलाकर अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर अता फरमाए। इलाहिल आलमीन कब्र के जहन्नम के बरज़ख के अज़ाब से हिफाजत फरमाकर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। इलाहिल आलमीन हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। हमारे रिश्तेदारों में जो इंतकाल फरमा गए, हर एक की मगफिरत के फैसले फरमा। हमारे दादा दादी, हमारे वालिद साहब की मगफिरत फरमा। हमारे नाना नानी और दूसरे रिश्तेदार जो तुझे प्यारे हो गए, हमारे चचा फूफी वगैरह, अल्लाह सब की बार बार मगफिरत फरमा। हर एक की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह इस मोहल्ले में भी जितने तुझे प्यारे हो गए, हर एक की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह अल्लाह अपनी रहमत का मामला फरमा दे, अपनी मगफिरत और रहमत से ढांप ले। अल्लाह अगर किसी को अजाब हो रहा हो तो दूर फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। इलाहिल आलमीन ये रमजान का महीना तूने इसलिए दिया था हम जैसे नालायक, हम जैसे गुनहगार कुछ अमल करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले, लेकिन मेरे मौला कुछ नहीं हो सका। अभी तो पहला रोजा था, अभी कहां 26-27वां रोजा आ गया। अभी तो सोचते थे कि रमजान शुरू हो रहा है, अभी तो देख रहे हैं रमजान खत्म होने जा रहा है। मेरे मालिक कोई अमल नहीं हो सका, पहला अशरा भी गुजर गया, रहमत का अशरा, एक अमल भी ऐसा नहीं हुआ कि तेरी रहमत के मुस्तहिक बनते, एक अमल भी ऐसा नहीं हुआ कि मगफिरत के मुस्तहिक बनते। किस मुंह से कहे कि हम पर अपना रहमत नाज़िल फरमा दे, किस मुंह से कहे कि हमारी मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला ये आखिरी अशरा जहन्नम से खलासी और आजादी का, मेरे मालिक एक अमल भी पास नहीं है। या अल्लाह दुनिया में कोई चीज खरीदने जाते हैं, जेब में पैसे लेकर जाते हैं, हमें इत्मीनान रहता है कि कुछ पैसे तो है जो कीमत होगी दे देंगे। मेरे मालिक किस मुंह से तुझे कहे कि हमें माफ फरमा दे, किस मुंह से कहे कि जहन्नम से आजादी दे दे। तू सवाल कर देगा कि क्या लेकर आए हो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मालिक कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज की उम्मीद लगी है कि दुनिया के अंदर
कोई मालदार कोई सखी अल्लाह उसके दरवाजे पर साहिल जाता है तो वो मालदार यूं नहीं पूछता कि मेरे वास्ते क्या लाए हो, वो तो पूछता है कि क्या लेने आए हो। अल्लाह तू तो सखियों का सखी है, तू तो मालदारों का मालदार है, सखावत को तूने पैदा फरमाया, तू हमसे यूं सवाल न फरमाना कि क्या लेकर आए हो। अल्लाह यूं सवाल कर लेना कि मेरे बंदे क्या लेने आए हो। अल्लाह तेरी मगफिरत को लेने आए है, तेरी रहमत को लेने आए है। अल्लाह इस मस्जिद से निकलने से पहले हम सब की मगफिरत का फैसला फरमा दे, ऐलान फरमा दे, फरिश्तों को गवाह बना दे, हम सब के हाथ पर रहम फरमा दे। टूटी फूटी इबादतें जो आपने करवाई रमजान के महीने में कबूल फरमा दे, शबे कदर की इबादत नसीब फरमा, जिन लोगों को तू महरूम करने वाला है हमें उनमें शामिल न फरमाना, जिन लोगों को तू देने वाला है हमें उनमें शामिल फरमाना। ये मजलिस कुरान की निस्बत पर हम जैसों से हुई, हम कुछ काम के नहीं है मालिक, हमें कुछ आता जाता नहीं है, तेरा फजल है तेरा शुक्र है तूने हमें इसके लिए इस्तेमाल फरमाया, बेशक हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है तूने अपने कुरान के साथ निस्बत अता फरमाई। अल्लाह हमारे कहने सुनने को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस मजमे के आने को कबूल फरमा ले, अल्लाह यहाँ आने को उनके लिए मगफिरत और रहमत का जरिया बना दे, कुरान से ताल्लुक का जरिया बना दे। अल्लाह हमारी औलादों में नस्लों में कुरान के हुफाज उलमा कुर्रा पैदा फरमा दे। अल्लाह कयामत के दिन कुरान को हमारे लिए शफी बना देना, यहाँ जितने तेरे बंदे मौजूद है हर एक की जायज मुरादें पूरी फरमा दे, जो जिस तमन्ना को लेकर आया हो उसकी जायज मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह इस निस्बत पर ये मजमा आया है, क्या दुआ होगी, बहुत से लोग तमन्ना लेकर आए होंगे, या अल्लाह तो हर एक की जायज तमन्ना पूरी फरमा दे, हर एक की बीमार को तो शिफा दे दे, परेशान हाल हो तो परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह बे औलाद को औलाद नसीब फरमा दे, बे जोड़ को जोड़ दे दे, बे रोजगार को रोजगार दे दे, बे मकान को मकान दे दे, जिनके यहाँ औलाद है नाफरमान है तो तू उनको अपना भी और उनके वालिदैन का भी फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह जिनकी शादियां हो चुकी तल्खियों का शिकार है उन्हें इस दीवानी जिंदगी की हकीकी मसरतें नसीब फरमा दे। आलमीन इस मौके से बहुत कुछ मांगना था नहीं मांग सके, अपने खजाने गैब से अता फरमा, जो कुछ मांगा अपने फजल से कबूल फरमा, अपने खजाने गैब से मजीद अता फरमा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर आपसे मांगी हम सबका हिस्सा नसीब फरमा, जिन शुरूर से पनाह चाही हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम बहुत सोने दुआओं का कहा है, हमें कहते रहते हैं या जो हमसे तवक्कु और उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, या अल्लाह तो हर एक की जायज मुरादें पूरी फरमा दे, बीमार हो तो शिफा दे दे, परेशान हाल हो तो परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन टूटी फूटी दुआएं महज अपने फजल व करम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम।